बस आने वाली है गाड़ी, कैप्टन पहुंचने वाला है। लेट हो गया ऑलरेडी, बाबा डांटेंगे मुझे लग रहा है ना। बस अब कैप्टन जल्दी आ जाए, सर्दी भी हो गई है थोड़ी सी। चलो शॉले ले आए हम। ये आ गई हमारी गाड़ी, यही नंबर है, यही नंबर है, यही है ना। अरे ये नंबर तो यही है सर। शाहनवाज आप सर, लेकिन हमने जब राइड बुक की थी तो कैप्टन तो कोई और थे। जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है, उसी की गाड़ी। उसकी तबीयत आज खराब थी तो मैंने सोचा उसकी मदद करते थे। ओके सर, आइए बैठिए बैठिए। अनूर थैंक यू सर। वैसे सर आप बहुत अच्छे हैं, सबका बहुत ख्याल रखते हैं। और उस दिन हमारे घर में जो कुछ भी हुआ आपके साथ, उसका हमें बहुत अफसोस है। जब वो बात मैं भूल चुका हूँ तो आपने क्यों याद रखी होगी? वैसे तो हमें नूर ने बताया था कि उसने अलग से जाके आपको हम सब की तरफ से एक्सक्यूज किया था। जी, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा ये मानना है जब बड़े आपको कुछ कहते हैं तो छोटों को वो दिल पे नहीं लेना चाहिए। आप इसी तरह चुप रहती हैं? नूर और चुप, नूर की कभी आप बातें तो सुने घर आकर। वैसे सर बहुत अजीब लग रहा है, आप इतने रिस्पेक्टेबल यहाँ पर ड्राइवर बन के हमें घर ड्रॉप कर। ना तो मैं आप लोगों का ड्राइवर हूँ और ना ही आप लोग मेरे पैसेंजर्स। क्यों नूर? नूर सर कुछ पूछ रहे हैं। रबी अभी अपने पापा को कॉल करती थी कि हम लेट घर आएंगे। लो जी, सवाल कुछ और जवाब कुछ और। वैसे मेरा बैलेंस ही खत्म हो गया, इसलिए मैं कॉल नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, और मेरा फोन कनेक्टेड है वरना मैं आपको अपना फोन दे देता। इनके पास फोन नहीं है? नूर सारी दुनिया से निराली है सर। आजकल के जमाने में ऐसा कौन होता है जिसके पास फोन ना हो? लेकिन नूर की अपनी मंतक है, इन्हें फोन नहीं रखना होता। लेकिन वैसे ये सामने उल्टे हाथ पे एक दुकान है, मुझे लगता है हम वहां रुक जाते हैं, वहां से मैं बैलेंस डलवा लेती। ठीक है ठीक है, एक सेकंड मैं यहाँ रुकता हूँ। जी देखिए, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही? आ तो रही है वैसे, अभी रोक लेते हैं। वो वाली दुकान पे जाइएगा। जी जी जी। नूर मैं एक मिनट में आती हूँ। देख के उतरिएगा प्लीज। मुझे पता चला उस दिन आपने मेरे जाने के बाद सबके सामने मेरी साइड ली, आपका बहुत शुक्रिया। जी? जब मुझे लगा कि मुझ पे कोई यकीन नहीं करेगा, आपने मदद करके सबको मुझ पे यकीन दिलवाया। उसके बावजूद आप अगले दिन मेरे ट्यूशन सेंटर भी अपनी फुप्पो को लाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बोलूं तो इस पूरे शहर में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। मुझे आपसे बात करके अच्छा लगता है। दरअसल बात ही सर, चलिए शुक्र हो गया। चलिए आप लोगों के घर की गली आ गई, प्लीज सीधा घर जाइएगा, ठीक है ना? जी सर, सही लें पैसे। अरे अभी रखिए प्लीज। सर अगर हम किसी भी कैप्टन के साथ जाते तो उसे पैसे तो देने पड़ते ना। अच्छा मैं कल आऊंगा आपके अब्बू से, मैंने ट्यूशन की फीस भी लेनी है, तब ले लूंगा। ठीक है, अभी आप जल्दी उतरिए, फौरन जाइए, टाइम ऐसा हो रहा है, सही नहीं है। चलिए सर, सीधा घर जाइएगा प्लीज, नो प्रॉब्लम, जाइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाइए।